हेलो सिक्स क्लास, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ अ योर न्यू चैप्टर एंड एज यू कैन सी दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स. ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन इट नाउ. नाउ योर लेसन नंबर 5 इज टेंस. जस्ट कीप इट इन योर माइंड ऑल ऑफ यू. मैं अभी तक आपको सभी को टेंसेज में हर लेसन में टेंसेस के बारे में आपको बताती जा रही हूँ, बट आई डोंट नो आप मेरी बात को कितना ध्यान से सुन रहे हैं. तो यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड. आपको ट्रांसलेशन में या आपकी नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में आपसे खुद आंसर्स की फॉर्मेशन करेंगे. आपकी टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है हमारे 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट वो होता है जो हमारा जा चुका है, ठीक है. प्रेजेंट वो है जो अभी इस समय चल रहा है, दैट इज हैपनिंग एट अ प्रेजेंट. एंड फ्यूचर होता है जो आने वाले समय में होगा, दैट इज फ्यूचर टेंस. लाइक आपकी स्क्रीन पे आई वॉज अ बेबी, मैं एक बच्चा था. एंड आई क्राइड, मैं रोता था दूध के लिए. ये हमारे पास्ट हैं. नाउ प्रेजेंट के लिए बता रहा है, नाउ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए. आई गो टू स्कूल टू स्टडी. ठीक है, फ्यूचर इज आई शेल बी अ यंग मैन, होऊंगा मैं फ्यूचर में. और आई शेल वर्क, और मैं काम करूँगा पैसा कमाने के लिए. अंडरस्टूड? तो हमने ये दोनों तीनों सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन किया, अकॉर्डिंग टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑल्सो. नाउ अब हमें इन तीनों में तीन तीन चार चार फॉर्म्स हमारे होते हैं. लाइक आपका देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे. टेंस हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड सिंपल इंडेफिनिट. सिंपल या इंडेफिनिट बोलो आप, असर्टिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, चारों सेम वर्ड्स हैं. ठीक है, एंड कंटिन्यूअस हो जाएगा. प्रेजेंट होता है, सॉरी परफेक्ट है, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपके. तो हम वन बाय वन सभी को रीड करेंगे. ठीक है, और इन सभी में आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं आप, या आप उसमें नेगेटिव बनाते हैं, या उसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. लाइक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ आपका क्या गोल्डन रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस उसके साथ ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट कि जो हमने रीड किया अभी तक उसके बारे में कोई बात हो रही है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ और हमारा जो प्रेजेंट में एस या ई एस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, वो डिपेंडेंट होता है हमारा किसके बारे में बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट कौन है. लाइक आई के साथ गो आएगा, आई वी यू दे इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. हमारे जो सिंगुलर हैं, कौन कौन होते हैं सिंगुलर में, ही शी इट या किसी पर्टिकुलर एक चीज का नाम, किसी वन पर्सन का, वो हमारे होते हैं सिंगुलर, और उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यूज. अब आपकी स्क्रीन पे देखिए अफर्मेटिव का जो मैंने आपको अभी समझाया है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, नेगेटिव में डू और डज नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अगर आप ऑब्जेक्ट कहना चाहते हैं तो आप इन तीनों में प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ पास्ट में क्या करेंगे हम, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी इन सभी में आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और उसको हमने प्रेजेंट में नेगेटिव बनाया था तो डू नॉट और डज नॉट यूज कर रहे थे, और यहां हम बनाएंगे तो हर एक के साथ, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम डिड नॉट यूज करेंगे. अंडरस्टूड? और इंटरोगेटिव करने के लिए जैसे हमने डू या डज को सबसे आगे ले लिया था, यहां हम डिड को सबसे पहले ले लेंगे, हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा. और इनके साथ में नीचे एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर. फ्यूचर में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा आपका, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो. नेगेटिव के लिए शेल नॉट या विल नॉट हो जाएगा, और इंटेरोगेट करने के लिए
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो हमारे विल और शैल है, वो सबसे पहले आगे आ जाएंगे, बाकी सेंटेंस विल बी यूज्ड एज यूजुअल, बाकी एज इट इज लिखा रहेगा, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल और शैल है उसको स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, फाइन। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट इट। फर्स्ट वन इज योर फादर डैश इन द रिवर, कि आपके फादर रिवर में क्या करेंगे, तैरेंगे। तो योर फादर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो हम यहां क्या करेंगे, स्विम्स हो जाएगा, ठीक है। स्विम प्लस एस या ईएस लगता है ना, तो स्विम के साथ एस लगता है, तो स्विम्स हो जाएगा। शी कुक्स डिलीशियस फूड, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ में देखिए आपका पास्ट है, यानी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई टोल्ड द ट्रूथ, सच बोला था मैंने, या आई स्पोक द ट्रूथ, एज इट इज जो आप लिखना चाहें, दिस इज योर चॉइस। नाइन्थ में देखिए हिज सिस्टर, फ्यूचर में करना आपको, विल पे द बिल, कि मेरी सिस्टर कल बिल जो है वो कल पे करेगी, ओके। एंड बी क्वेश्चन देखिए, आपको इनको क्या करना है, साइड में अगर नेगेटिव लिखा है तो मैंने देखो स्पीक्स को डज नॉट स्पीक लिख दिया, और नेगेटिव में नीचे वाले को भी, तो दीज बर्ड्स डू नॉट, बिकॉज बर्ड्स हैं ज्यादा हैं तो मैं डू नॉट लिखूंगी, फाइन। और इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे इंटरोगेटिव में, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया था अभी। नेक्स्ट आपके कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, यानी जो काम लगातार हो रहा है, जैसे राधा गाना गा रही है, गा रही थी और गा रही होगी, ओके। तो यहाँ हम प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। और सेम वही इज एम आर हमारे अगर इंटरोगेटिव करते हैं तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और पास्ट में करेंगे तो वॉज और वर यूज होंगे हमारे, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल वालों के साथ वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और नॉट के साथ वर नॉट आ जाएगा या वॉज नॉट आ जाएगा। और इंटरोगेटिव के लिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन कौन है, वॉज और वर्ब, वो हमारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, आई एम जस्ट रिपीटिंग द होल वर्ड्स अगेन एंड अगेन। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे टेंसेस में। एंड नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शेल बी, लाइक मैं बोल रही थी ना विद इज डांसिंग, तो पास्ट फ्यूचर में आप कंटिन्यूस बनाएंगे तो विल बी डांसिंग और शेल बी डांसिंग, ठीक है। और नॉट कहाँ लगाएंगे, विल बी जो लगाते हैं ना हम लोग फ्यूचर में कंटिन्यूस में, तो विल नॉट बी, नॉट इनके बीच में लगता है, अभी तक तो हम उन वर्ड्स के आगे लगा रहे थे, यहाँ विल नॉट बी या शेल नॉट बी यूज होगा, और विल बी और शेल बी आपका आगे आ जाएगा, बाकी एज यूजुअल एज इट इज चलेगा हमारा। और अगर नेगेटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो आपका सिर्फ शेल आई या शेल वी बी राइटिंग, सिर्फ शेल और विल आपका आगे आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। लाइक आपका सी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मुकुल डैश ऑन द रोड। अब वही हमने वहां क्या किया था, प्रेजेंट में किया था, अब यहाँ कंटिन्यूस में कर रहे हैं हम, तो मुकुल क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यूस बनाने के लिए मुकुल इज रनिंग, ठीक है, और तीशा वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नाइन्थ आपका क्या होगा, इट विल बी रेनिंग टुमोरो, इस टाइम पे कल बारिश होगी, और नेक्स्ट वाले भी मैं बता चुकी हूँ। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द प्रेजेंट में आती हूँ मैं, लाइक हमारे सामने ये परफेक्ट के रूल्स हैं, हैज या हैव हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए हैज या हैव प्लस नॉट लगा देते हैं, इंटरोगेटिव में सेम हमारे हैज और हैव जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। एंड पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड लगा देते हैं, अभी तक हम हैज और हैव प्रेजेंट में लगा रहे थे, पास्ट में हमारा हैड हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर के साथ लगा रहे हैं आप या प्लूरल के साथ, ठीक है, और हैड के साथ नॉट आ जाएगा, और इंटरोगेटिव में हमारा हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा ध्यान देंगे आप फ्यूचर पे, ठीक है, तो व्हाट इज दिस
फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप, ठीक है नाउ। और नेगेटिव करेंगे तो विल नॉट हैव या शेल नॉट हैव, और इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो वी विल यूज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल अपना देखेंगे आप लोग, आई डैश फूड क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टेकन द फूड, मैं खाना ले चुकी हूँ, प्रेजेंट है। और अगर पास में क्या होता, हैड बोला था मैंने, तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है हैड टॉक्ड लाउडली, कि ऑफिसर के आने से पहले मैं बात कर चुकी थी तेज, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हुआ था, सोल्जर्स, कौन सा सेंटेंस है हमारा, नाइन्थ सेंटेंस है, द सोल्जर्स विल हैव क्लाइम्ड, चढ़ चुके थे माउंटेन पे आर्मी के अटैक, एनिमी के अटैक करने से पहले, दुश्मनों के अटैक करने से पहले हमारे जो सोल्जर्स थे वो पहाड़ पे चढ़ चुके होंगे। यहाँ हमारा फ्यूचर है तो हम कैसे चढ़ चुके होंगे, इस तरीके से हम इसकी रीडिंग करेंगे। और नीचे मैंने आपको ये भी बता चुकी हूँ, ठीक है, आप इसको जो हमने रूल्स बैक साइड में लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम इनको फिनिश करेंगे। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का यूज होता है और टाइम फ्रेज हमें दिया होता है क्योंकि उसी टाइम के अकॉर्डिंगली हमें यूज करना होता है कि हमें सिंस यूज करना है और फॉर यूज करना है। सिंस हमेशा हमारे जो डेफिनेट टाइम दिया हुआ पर्टिकुलर की, हाँ तब से हो रहा है ऐसा एग्जैक्टली टाइम दिया है जब मैंने, और जब मैं डाउट में कि हो सकता है 4-5 घंटे से, 4-4 घंटे से, तो जब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है देन वी विल पुट 4 आवर्स, ठीक है। एंड हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर, इस तरीके से। और वहां पर हमारे पास्ट में हैज की, हैज और हैव की जगह पे हैड आ जाएगा। एंड फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, विल शेल हैव बीन डूइंग, ठीक है, विल शेल हैव नॉट बीन, विल शेल हैव नॉट बीन हो जाएगा। और हमारा विल और शेल हम स्टार्टिंग में ले आएंगे इंटरोगेटिव के, बाकी सेंटेंस विल बी एज इट इज, ठीक है। लाइक हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम सबसे फर्स्ट वाला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, द काउज डैश इन द फील्ड, यानी वो चर रही है वहां पे, है ना, तो क्या करेंगे, द काउज ज्यादा है तो मैं हैज तो नहीं लिख सकती, मैं हैव करूंगी, द काउज हैव बीन ग्रेजिंग, यानी चर रही है वो फील्ड में 2 घंटे से। परफेक्ट पास्ट कैसे करेंगे, आई, विच सेंटेंस इज दिस, फोर्थ, I had been seeing, मैं इस महल को इसके coronation के टाइम से देख रही हूँ, ठीक है। मानव, सेवेंथ सेंटेंस देखेंगे, मानव will have been kicking at the football for 10 minutes, 10 मिनट फिक्स नहीं दिया तो 10 मिनट लिख दिया हमने। और नीचे वाले, as you know very well the all of the rules, तो negative में करना है आप not लगाएंगे, interrogative में करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाके उसको कंप्लीट करेंगे, फाइन। एज यू कैन सी दिस इज द आंसर की ऑफ योर लेसन, फ्रॉम हेयर यू हैव टू कंप्लीट द ए क्वेश्चन, बी, सी, डी, ई एंड एफ, एंड फ्रॉम दिस पेज द रिमेनिंग एफ क्वेश्चन इज ऑन दिस पेज, एंड जी क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट, एंड एच क्वेश्चन यू हैव टू डू, बाय दिस your answer, your lesson will be completed in books and notebooks also, fine class.